अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर सेंटर। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरसरार नॉवल तिलिस्म की एपिसोड नंबर 4। बस चंद लम्हे मजीद हातिम, इसके बाद तुम्हारी मौत और मेरी जिंदगी, एक दिल फरेब कह कहा पूरे महल में गूंजा। वक्त तो हाथों से सिरकता जा रहा है और नदी के करीब जाने की बजाय हम तानिया के शहर को तोड़ भी नहीं पा रहे। हातिम ने दिल ही दिल में अपने आप को कोसा, आसमान की तरफ देखा तो आधा सूरज दुनिया के उस पार सिरक चुका था। पेशानी पर पसीने की बूंदें उभरना शुरू हो गईं। बूढ़ी हसीना का चेहरा भी बुझा बुझा दिखाई दे रहा था, निचला हिस्सा उसका आईने की दुनिया में फना हो चुका था। हातिम, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। हातिम, ये सब तानिया का शहर का असर है। उसने आपके और नदी के दरमियान अनदेखी दीवारें हायल कर दी हैं जो हर लम्हा अपनी जगह तब्दील कर रही हैं। हातिम के जहन में ये अल्फाज दोबारा गूंजे, उलझी डोरी सुलझती चली गई। दीवारें मुतहरिक हैं, यानी हमें रुख बदलने की जरूरत नहीं, दीवारें खुद अपना रुख बदल रही हैं। ये सोचते ही उसके लब पर मुस्कुराहट ने जन्म लिया। उसी जगह पर बार बार दस्तक देना शुरू की, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही हो। हसीना ये देखकर परेशान हुई, जबकि तानिया ने हातिम को पागल जाना, मगर तदबीर तो सोची जा चुकी थी। चंद ही लम्हों बाद हाथ किसी शय से नहीं टकराई और जैसे हाथ को आगे धकेल दिया गया। मौके को गनीमत जानते हुए हातिम आगे बढ़ा तो चेहरे पर शह की मुस्कुराहट उभरी। पीछे पलट कर देखा तो हसीना के चेहरे पर भी तशक्कुर आमेज जज्बात थे। तानिया के चेहरे का रंग जर्द हो चुका था, आंखें फटी की फटी रह गईं। गुस्से में अपने तख्त से खड़ी हुई, हातिम, तुम पहली दीवार तो पार कर चुके हो, मगर दूसरी दीवार पार नहीं कर सकोगे, क्योंकि किस्मत फकत एक बार साथ देती है, बार बार नहीं। वो गुस्से में गुर्राई, हातिम अब दो दीवारें मजीद। हसीना ने दोनों हाथों को दुआ के से अंदाज में उठाया। वो दोबारा पलटा और फिर से एक ही जगह पर दस्तक देना शुरू कर दी। कुदरत ने एक बार फिर साथ दिया। मुतहरिक दीवारों ने चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से किनारा कशी इख्तियार की तो हातिम आगे बढ़ा। यूं दूसरा सतून भी गिर गया। बस अब एक मजीद दीवार बची थी। तानिया की सांसें उखड़ने लगीं, सीने की धड़कनें भी तेज हो चुकी थीं। हसीना की आंखों में कसक उभरी। हातिम ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया तो चंद लम्हों बाद दीवार अपनी जगह से खिसक गई। वक्त तो जैसे थम सा गया। अपना कदम आगे बढ़ाया तो कानों में एक ही जुमला गूंजने लगा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है, यके बाद दीगरे यही जुमला पूरी फिजा में गूंजता जा रहा था। हातिम का कदम आगे बढ़ने की बजाय वहीं हवा में मुअल्लक हो गया। पलट कर पीछे देखा तो कई इंसानों को अपने पीछे खड़ा पाया, जिनके लिबास चाक थे, मिट्टी ने उन पर अपना जहां आबाद किया हुआ था। चेहरे गर्दन तक झुके हुए थे, हाथों की स्याही रात से भी ज्यादा स्याह थी। अपनी जगह पर खड़े वो मुसलसल एक ही जुमला दोहराते जा रहे थे, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हविस है। यही तो हमारा पहला सवाल है, हातिम ने सोचा और अपना कदम पीछे खिसकाना चाहा। नहीं हातिम, वापस मत पलटो, सूरज गरूब होने ही वाला है। हसीना तजबजब अंदाज में गोया हुई थी, परेशानी पेशानी के शिकनों से आया थी। हातिम ने पलट कर हसीना की तरफ देखा, बाद अस नदी की तरफ जहां उसे राग बहाना थी। सूरज की तरफ नज़र दौड़ाई गई तो वो भी ऐन किनारे पर था और पहला सवाल उसे अपनी तरफ बुला रहा था। हातिम, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, दीवारें अपनी जगह बदल रही हैं। हसीना के अल्फाज कानों में गूंजते हुए अजीब कश्मकश पैदा कर रहे थे। क्या करें हम, राग बहाएं या फिर पहले सवाल का जवाब पाएं? मुतहरिक दीवारें अब अपना रास्ता बदलने ही लगी थीं। हसीना की आंखों में जन्म लेती आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। चमकता हुआ आंसू रुखसार पर खुद बहुत बह निकला। तभी हातिम ने बिना सोचे समझे अपना कदम उठाया। हातिम, एक चीख उभरी थी। वो पलटा तो अपने पीछे तानिया को खड़ा पाया। उसका चेहरा आखिरी हद तक मुस्तरिब था, जबकि हातिम इस वक्त नदी के किनारे पर था। हातिम, रुक जाओ, ये राग हमें दे दो, वो गुर्राई। कभी नहीं तानिया, इस औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिसने अपने ही मोहसिन को कैद कर डाला हो और फिर सबसे बढ़कर अपने हुस्न की बका के लिए शैतानी रास्ता इख्तियार किया हो। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अभी तुम्हारी आंखों के सामने ये राख नदी में बहा देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, कुछ भी नहीं। यकीन की इंतहा थी उसकी आंखों में और इसी यकीन को हकीकत का रूप देने वो नदी की तरफ बढ़ा।
हसीना ने भी तायद की थी, जबकि तानिया की सांसें तो किसी ऐसे चराग की लो की मिसल फड़फड़ा रही थीं जो आंधियों के जेरे असर थी। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके एक तिलिस्माती मंत्र पढ़ा और फिर एक झटके से दोनों हाथों की मुठियाँ नदी के रुख करके खोली। एक चमक उभरी और नदी देखते ही देखते तीन नदियों में तब्दील हो गई। ये देखकर हातिम और हसीना को एक झटका लगा, जबकि फिजा तानिया के कहकहों से गूंज उठी। हातिम, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। जब तक तुम्हें असल नदी के बारे में इल्म होगा, इतने में सूरज गुरूब हो चुका होगा और फिर तुम्हारा राग बहाना कोई हैसियत नहीं रखेगा। उसके लहजे में अब कदरे शह का खुमार था और आंखों में कच्चा चबा जाने वाला असर। हातिम ने आसमान की तरफ देखा तो सूरज का तीन चौथाई हिस्सा गुरूब हो चुका था। नदी की तरफ देखा तो शहर का अजब आलम नजर आया। कहाँ एक नदी थी, अब तीन नदियाँ बह रही थीं। अब इनमें असल नदी कौन सी है, उसने दिल में सोचा। हर नदी को बहोर देखा तो एक दूसरे की तरह ही पाया, फ़र्क ज़रा भी नज़र ना आया। दिल एक बार फिर नई उलझन का शिकार हो गया। आंखें तजबजब के साथ नदी को देख रही थीं। गहरी निगाह पहली नदी पर डाली तो शोर मचाता पानी अनजान मंजिल की तरफ गामजन था। दूसरी पर निगाह दौड़ाई तो वैसे ही ठाटे मारता पानी था। तीसरी को देखा तो एक हल्का सा अक्स नज़र आया। पलके झपक कर देखा तो पानी कुछ गतला सा दिखाई दिया। वो ज़रा करीब हुआ तो मिट्टी के कुछ ज़र्रात नज़र आए, जैसे कुछ कसाफतें मिला दी गई हों। बाकी दो नदियाँ उन कसाफतों से पाक थीं, यानी जादू के जेरे असर नदी असल से मुशाबे तो बन गई मगर हू बहू नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और पलट कर तानिया की तरफ देखा। तानिया, बदी की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, नेकी एक ना एक दिन बदी पर सबकत ले ही जाती है, जैसे आज। ये कहते ही उसने राग को पानी के सपुर्द करना शुरू किया। तानिया की आंखें खुली की खुली रह गईं, सांसों में जहर घुलने लगा। राग का पहला ज़र्रा पानी से मस होने की देर थी कि तानिया का पूरा जिस्म झुलस कर स्याह हो गया। एक कर्बनाक चीख फिजा में गूंजने लगी। आहो बका की आवाज़ें मदद के लिए पुकार रही थीं, मगर मदद उनकी की जाती है जिनके दिलों में एहसास निदामत हो। अपने किए पर शर्मिंदगी हो, मगर वो इससे आ रही थी। राख पानी में बह गई तो तानिया का सहर भी टूट गया, खुद जल कर खाक हो गई। हसीना जो आईने में कैद थी, आईने की कैद से आज़ाद हो गई। बुढ़ापा एक रोशनी की चमक से जवानी में तब्दील हो गया। सूरज जो गरूब हो चुका था, एकदम वहाँ से गायब हो गया और हातिम ने खुद को शाही दरबार में खड़ा पाया। उसने अपने आप को एक रोशनी की जद में देखा। ऐसा क्या देख रहे हो शहजादे, ये हमारे महल की खो है। जो भी अजनबी हमारे महल में पहली बार कदम रखता है, उसका इस्तकबाल रोशनियों से किया जाता है। आवाज़ के माखज़ पर निगाह तोड़ाई तो वही चेहरा पाया जो तानिया का था, मगर हुस्न इससे कहीं ज़्यादा। मुस्कुराहट पहले से भी ज़्यादा दिलफरेब थी। हातिम की नज़रें ठहर सी गई थीं। उसने इधर उधर देखा तो महल को पहली किसी तरह रोशन पाया, मगर इजाफी चमक थी। हर शय हीरे की तरह चमक रही थी। आप, वो हिचकिचाया, हम इस सल्तनत की असल मलका, मलका हसीना हैं। उसने अपना तारुफ करवाया तो उसके चेहरे पर एक तमानत उभरी थी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें और हमारी सल्तनत को तानिया के मकर से बचाया। इसके लिए हमने आपको एजाजिया देने के लिए एक तकरीब मुनक्कद करने का फ़ैसला किया है। ये सुनते ही हातिम पर जैसे उस महल का सहर एक लम्हे को टूटा। माफ़ कीजिए मलका, मगर हम यहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकते। हमें सामरी के पहले सवाल एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हविस है का जवाब तलाश करना है। हातिम ने जवाब बताते हुए इजाज़त चाही। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं शहजादे। मलका हसीना ने अपने सफ़ेद लिबास को थामते हुए ज़मीन पर कदम रखा तो जैसे फ़र्श के भी बख्त खुल गए। नरमो मुलायम रेशम से पांव ज़मीन पर गुदास के एहसास को तकवियत बख्श रहे थे। मतलब? हम ही आपके पहले सवाल का जवाब हैं। जो कोई हमें एक बार देख ले, दूसरी बार देखने की चाह रखता है, क्योंकि औरत का हुस्न ही एक ऐसी शय है जिसके ज़रिए वो किसी भी मर्द को अपना असीर बना लेती है। और जो मर्द एक बार किसी औरत के हुस्न को अपने दिल में जगह दे दे, तो दूसरी बार भी उसी हुस्न को देखने की हविस बरकरार रहती है। ये सुनते ही हातिम के चेहरे पर एक कसक उभरी। पहली मंजिल उसे मिल चुकी थी, यानी यहाँ आना उसका बेकार नहीं गया। कुछ वक्त महल में गुजारने के बाद हातिम ने इजाज़त तलब की तो मलका ने भी बखुशी जाने को इजाज़त दी, मगर इससे पहले कि वो पलटता, मलका हसीना ने एक बार फिर उसका नाम पुकारा।
अपना नाम मलका के लबों से सुनना था कि पूरे वजूद में एक एहसास सरायत करने लगा। जाने से पहले अपना दूसरा सवाल तो सुनते जाएं हातिम, मलका ने कहा और अपने हाथों को आसमान में बुलंद किया तो एक सफ़ेद रोशनी महल की छत पर फैल गई। एक मावराई आवाज़ उस रोशनी में कुछ यूं गोया हुई, सच कहने में राहत है। ये जुमला मुकम्मल होते ही वो रोशनी फना हो गई। मलका के हाथ दोबारा नीचे आ गए। अब आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है हातिम, अल्लाह आपका मददगार हो। इसके बाद हातिम के नए सफ़र का आगाज़ हो गया। अंधेरा पूरे दरबार को अपने लपेट में लिए हुए था। वो आलती पालती मारे बैठा हवन की आग दहकाए हुए था। एकदम महल का सतून टूटने की आवाज़ आई। उसकी बंद आंखें एकदम खुली तो खुली की खुली रह गईं। वो किसी अनजानी ताकत के जेर असर अपनी जगह से उठता चला गया। हवन की आग खुद बहुत बुझ गई। उसके जिस्म से एक ताकत निकलती जा रही थी और दिल दोस्त चीख से पूरा दरबार करा रहा था। कुछ लम्हे यूं ही बीत गए, बाद वो ज़मीन बोस हो गया। नकाहत पूरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। आंखें लावा उगल रही थीं। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई पहले सवाल का जवाब हासिल करने में कामयाब हो गया और मुझे भिनक तक नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखा और घूरते हुए अपने जादुई आईने के पास आया। ऐ आईने, बता कौन है जिसने सामरी की ताकतों को ललकारने की हिम्मत की है, बता कौन है वो, उसने चीखते हुए कहा और साथ ही अपने दाएं हाथ में मौजूद एक असा जिस पर अजीबोगरीब जानवर का मुंह बना हुआ था, उसका रुख आईने की तरफ किया तो हातिम का चेहरा वाज़ेह हो गया। हुस्न बानो से पहले सवाल के जवाब तक का सफ़र मुतहरिक दिखाई दिया। सामरी की खा जाने वाली निगाहें हातिम को घूरने लगी थीं। हातिम, तुमने ये अच्छा नहीं किया, उसकी आंखों में नफ़रत के अंगारे दहक रहे थे। सामरी से टक्कर लेने का अंजाम तुम जानते भी हो क्या? शोला जुनू आंखें जलाकर राख बनाने को तैयार थीं। मौत, उसने राजदाराना लहजे में कहा। उसके साथ ही एक शैतानी कहका फिजा में गूंजा। दरबार की स्याही मजीद गहरी हो गई और हवन की आग एक बार फिर दहकने लगी। चलते हुए वो अब एक कस्बे की तरफ गामजन था। रास्ते का सूनापन धीरे धीरे लोगों के शोर में तब्दील हो रहा था। दूर कहीं से बच्चों के खेलने और लेन देन की आवाज़ें गूंज रही थीं। लगता है नज़दीक कहीं आबादी है, ये कहते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। ये तुमने अच्छा नहीं किया हातिम, एक बारीक सी आवाज़ उसके पीछे से सुनाई थी जिसे सुनते ही उसे पलट कर देखने में ज़रा देर ना लगी। दिल की धड़कनें बेतरतीब धड़कती चली गईं। एक वजूद जन रोशनी के हिसार में एक दरख्त के साए तले दिखाई दे रहा था। हातिम के कदम खुद बखुद उस तरफ उठते चले गए। दिन का उजाला धीरे धीरे उस रोशनी में जायल होता दिखाई दे रहा था। चमकते जुगनू जैसे वजूद को अपने हिसार में लिए हुए थे। सफ़ेद लिबास, चमकता चेहरा, लहराती जुल्फें, जुल्फों पर रोशन चमकता हुआ ताज, पूरे वजूद को परी से तशबीह दे रहा था। जंजील, तुम? एक कसक उभरी थी, दिल मचलता हुआ बिल्कुल उसके पास हो लिया था। हाँ हम, लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी हातिम। उसके चेहरे पर बनावटी खफकी थी मगर ये खफकी भी हातिम पर नागवार गुजर रही थी। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे नज़दीक हमारा रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। अगले माह हमारी शादी थी और तुमने हमें एतमाद में लिए बगैर नए सफ़र पर कमर बांध ली। उसने अपनी निगाहें फेर ली थीं। हातिम झट आगे बढ़ा और मनाने वाले लहजे में कहा, जंजील, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे तो दिल की धड़कनों का सबब फ़कत तुम हो। हाँ, हम मानते हैं कि हमने तुम्हें अपने नए सफ़र के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमें यकीन है कि जब तुम पर हकीकत आशना होगी तो तुम भी हमारा साथ दोगी। वो ज़रा तजबसब का शिकार हुआ तो जंजील ने बताया कि वो मजाक कर रही थी। उसे तो मान है अपने हातिम पर कि उसने दूसरों की ज़िंदगी को अपनी खुशी पर तरजीह दी। उसे इंतज़ार रहेगा इस वक्त का जब हातिम सात सवाल हल करके वापस आएगा और परिस्तान की शहजादी जंजील को अपने साथ सफ़ेद घोड़े पर सवार करके अपने महल ले जाएगा। अच्छा, अब इजाज़त हातिम। जाने को अगरचे दिल नहीं कर रहा था, आंखें अपने महबूब के चेहरे को मजीद देखना चाहती थीं, मगर वक्त का तकाजा जुदाई था। हातिम को अपने सफ़र का आगाज करना था। अल्लाह हाफिज़, बुझे हुए चेहरे ने जंजील को अलविदा कहा था। रोशनी के जुगनू तफतन आंखों के आगे लहराए और शहजादी जंजील को अपने संग लेकर कहीं गायब हो गए। हातिम ने आगे हाथ बढ़ाया मगर हवा के सिवा किसी शय के एहसास ने उसके जिस्म को न छुआ।
आंखों में जुदाई की कमक उभर कर दम तोड़ गई। तभी उसे अपने पीछे से जोरदार बेमुरव्वत आवाज़ सुनाई थी, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हातिम। हातिम पलटा तो वहाँ एक खौफनाक शक्ल का बूढ़ा खड़ा था, लंबे लंबे स्याह उलझे हुए बाल जैसे घास के तिनके हों, नकाहत ऐसे जिस्म को लपेटे हुए जैसे किसी जोंक ने जिस्म का आखिरी कतराए खून तक चूस लिया हो, चेहरे पर ऐसी स्याही कि हबशी गुलाम भी पीछे छट जाएं, झुरियाँ इस कदर जैसे बरसों की उम्र अब ढलने को हो और शामे ज़िंदगी दस्तक बस देने ही लगी हो। कौन हो तुम? हातिम ने अपना हाथ नयाम की तरफ बढ़ाकर पूछा। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसको ख़त्म करने के लिए तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मैं वो हूँ जो बहुत जल्द अंधेरे की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। मैं वो हूँ जिसके हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। वो दहकते अंगारों की मिसल कहता जा रहा था। ओह, तो तुम हो सामरी जादूगर जिसने हुस्न बानो की सल्तनत को अपने जादू के जोर पर खंडर में तब्दील कर दिया। हातिम ने तस्दीक चाही। हाँ, मैं ही हूँ सामरी जादूगर, अंधेरे की दुनिया का बादशाह, जो अच्छाई की परिस्तार हुस्न बानो से शादी करके रोशनी की दुनिया पर भी काबिज हो जाएगा और फिर हर शय मेरी गिरफ्त में होगी। वो अपने गरूर में कहता जा रहा था। मुंह से बदबू के ऐसे भभूके उठ रहे थे कि उड़ते हशरात के लिए भी सांस लेना दुश्वार था। ये तुम्हारी भूल है सामरी जादूगर, अंधेरा कभी रोशनी को मगलूब नहीं बना सकता। रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब रही है और गालिब रहेगी, और हुस्न बानो से शादी करना तो तुम्हारी भूल है। मेरे जीते जी तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, उसने सामरी को ललकारा था। आंखों में यकीन गालिब था। तो तुम्हारे मरने के बाद तो कर सकता हूँ ना, ये कहते ही एक शैतानी कहकह फिजा में गूंजा। हातिम के चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुर उभरे, मगर फिल वक्त सूझबूझ की सलाहियत जैसे मफलूज हो चुकी थी। हातिम, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ और अपने सफ़र को यहीं ख़त्म करो, वरना। ये कहते ही वो गोल गोल घूमते हुए गायब हो गया, मगर गायब होने से पहले उसकी आंखों की वहशत एक अजीब समा बांधे हुए थी। हातिम उन आंखों का मतलब समझ चुका था, मगर कदम साबित कदम रहे। तुम चाहे हज़ार रुकावटें मेरे रास्ते में हायल कर दो सामरी, मगर मैं तुम्हें शिकस्त दे कर ही रहूँगा। हातिम की आंखों में सच्चाई की एक कमक रोशन हो चुकी थी जो सामरी की शैतानी ताकतों को नीस्तो नाबूद करना चाहती थी। आबादी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मुख्तलिफ लोग खरीदो फरोख करते हुए दिखाई दे रहे थे। हथगाड़ी को दिखेलते हुए सामान की तरसील की जा रही थी। कच्ची दुकानों के आगे कपड़े के जरिए सूरज की हिद्दत से बचने का माकूल इंतजाम किया हुआ था। फल फरोश अपने फलों के दाम, जबकि सब्ज़ी फरोश सब्ज़ी के दाम बावाज़े बुलंद लगा रहे थे। हातिम उधर से गुजरता हुआ सीधे रास्ते पर गामजन था। लोगों की इस्तेहफामिया निकाहें उस जानी बुढ़ती और फिर बिना किसी सवाल जवाब के लौट जाती। वो उनमें एक मुमताज़ हैसियत रखता था। चुस्त शाही लिबास उसे एक आला दर्जे के ख़ानदान का फ़र्द बता रहा था, जबकि पूरा बाजार गुरबा से भरा पड़ा था। चलते चलते उसका गुजर एक झोंपड़ी नुमा दुकान से हुआ, जहाँ कई मर्दो जन एक कतार में खड़े अंदर जाने के ख्वाह थे और धक्का मुक्की जारी थी। ओए, मैं पहले आया था, बाबा के पास पहले मुझे जाना है, एक लड़के ने झल्लाते हुए अपने से बड़े लड़के को कहा। लेकिन कतार तोड़कर जाने का मैंने तो नहीं कहा था। अब सीधी तरह आखिर में लग जा अगर बाबा से मिलना है तो, वरना जा अपना काम कर, दूसरे ने झिड़का और यूं कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। ये सब ऐसे क्यों कतार में लगे हुए हैं? पास से गुजरती एक बुढ़िया से हातिम ने पूछा। तुझे नहीं पता लड़के, बाबा जी आए हुए हैं जो अपने इल्म से लोगों को मुस्तकबिल बता रहे हैं। उस बुढ़िया के लहजे में उस बाबा के लिए इंतहा का अदब था। फिर तो इस बाबा से हमें भी मिलना चाहिए, हातिम को एक शरारत सूझी। अपनी कमान को दुरुस्त करते हुए वो आगे बढ़ा तो औरों ने रोकना चाहा, मगर हातिम बड़ी ही महारत के साथ आगे बढ़ दिया। झोंपड़ी में गिनती के चंद चीज़ें थीं, एक बिस्तर, एक पानी का प्याला, एक तीर कमान और नयाम में तलवार। उसने सामने देखा तो एक आदमी अपनी गर्दन झुकाए अपने हाथों को हवा में लहरा रहा था। उसके सामने एक जोड़ा बैठा था। बाबा जी बताएं ना, हमारा बेटा हमारी पसंद की शादी के लिए राजी तो हो जाएगा ना? वो दोनों हाथ जोड़े अपना मसला बयान कर रहे थे। हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा, वो अपने सर को दीवाना वार हिलाते हुए एक ठाट के साथ कह रहा था। हातिम उस आवाज़ को पहचानता था, तभी अबरू उचकाए हुए
आगे बढ़ा और दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया। आप सच कह रहे हैं बाबा, आवाज़ में शोकपन का अंसर नुमाया था। और क्या, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? ये कहते हुए उसने अपना सर उठाया तो उसकी हिचकियाँ बंद गईं। आगे एक लफ्ज़ भी उसके लबों से ना निकला। आंखें फड़फड़ाते हुए उसने हातिम को बगौर देखा। सत्यानाश हो तेरा शहजादे, तू इधर भी आ निकला? जेरे लब बुड़बुड़ाया और उजलत के साथ अपनी कुटिया उठाते हुए कहा, बाबा को अब एक ज़रूरी काम आन पड़ा है, सब चले जाओ। सब एक दूसरे का मुंह तकते हुए उठे और बाहर की राली। उस बाबा ने भी खिसकना चाहा, लेकिन हातिम दरमियान में हायल हो गया।